हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म द डायमंड एकेडमी। तो बेटा, हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में सेल ऑर्गेनल्स को स्टार्ट किया था और सेल ऑर्गेनल्स में हम अपना फर्स्ट ऑर्गेनल पढ़ चुके थे, वो था एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो आई होप सबको याद होगा, यहाँ तक सभी क्लासेस आपने अटेंड कर ली होंगी, सारे लेक्चर्स को कंप्लीट किया होगा, जो भी आपको DPP मिल रही है वो कंप्लीट कर रहे होंगे। और बेटा, जब ये चैप्टर का एंड होगा तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक शीट मिलेगी, आपको वो भी सॉल्व करनी है, ठीक है। तो हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आपका चैप्टर चल रहा है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये आपका लेक्चर नंबर 6 है बेटा। लेक्चर 5 में आप एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम तक कवर कर चुके हो। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक चलना है। हम आज कंप्लीट करने वाले हैं गॉल्जी एपरेटस को। किसको कंप्लीट करेंगे बेटा? गॉल्जी एपरेटस। तो पहले गॉल्जी एपरेटस पे जाने से पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कल की क्लास का। आई नो आप लोग तो रिवाइज करके नहीं आए होंगे, करके आए जो बच्चे वैलेंट गुड द्वारा से, उनका एक बार क्या हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा पूरा। तो हम रिविजन पर चलते हैं। रिविजन में हमने क्या देखना है? गॉल्जी एपरेटस से पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को डिस्कस करना है। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या डिस्कस किया था बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अगर मैं आपसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की बात करूं तो मैंने आपको क्या पॉइंट्स बताए थे? इसमें आप देखो, पॉइंट्स बना के याद रखेंगे इसको। तो ये काम ना, पता है, आप भी किया करो। मैम ने कोई चैप्टर पढ़ा दिया तो आपको उस तरीके से नहीं रटना है। रटने का जो आइडिया है ना माइंड में, उसको निकाल दो। खुद से अपने शॉर्ट नोट बना के देखा करो कि मैम ने हमें इसमें क्या क्या पॉइंट पढ़ाए, ये पॉइंट कैसे आपस में लिंक है और इन्हें मैं किस तरीके से अरेंज करके पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ। तो ऐसे करके कोशिश किया करो ताकि आपके ब्रेन में चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए सही से याद रहेंगी, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की अगर मैं बात करूँ तो हमने यहाँ पर क्या देखा था बेटा? सबसे पहली चीज़, ये क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। बेटा गिव मी अ मिनट, लेट मी चेक क्या लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो लेक्चर रिकॉर्ड ही ना हो। जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, तो ये क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। दूसरा हमने क्या देखा था कि ये क्या होता है? नेटवर्क है, ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है। किसका बेटा? ट्यूब्यूल्स का, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट होती है? वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और बेटा इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? सिस्टर्ने। क्या प्रेजेंट होते हैं? सिस्टर्ने। ये हमने देखा था। फिर हमने कहा था टाइप्स के डिस्कस किए थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो टाइप्स की बात करूँ तो टोटल कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप। कौन कौन से बताओ मुझे? टाइप्स की बात करें तो RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अगर मैं SER की बात करूं तो यहां पर बेटा राइबोसोम एब्सेंट होता है। क्या होता है? राइबोसोम एब्सेंट होता है। और अगर मैं RER की बात करूं तो यहां पर हमने देखा था कि राइबोसोम क्या होते हैं बेटा? प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। देखो, कुछ बच्चे कहते होंगे मैम आप पीछे की क्लास का पूरा पढ़ाते क्यों दोबारा? तो बेटा वो पढ़ाना नहीं होता, पहले 2 मिनट में या 3 मिनट में मैं आपको पीछे की क्लास का पूरा रिकॉल करा रही होती हूँ, क्योंकि रिविजन ज़रूरी होता है। जितनी बार आप चीज़ों को रिवाइज करोगे, जितनी बार अपने माइंड में यानी उन चीज़ों को देखोगे, वो आपके माइंड में उतनी लॉन्ग टर्म के लिए याद होंगी। अगर आपने किया एक बार पढ़ लिया और उसके बाद उस चीज़ को दोबारा से नहीं देख रहे हो तो वो डेफिनेटली आई अश्योर यू कि वो याद ही नहीं होगी। इसीलिए रिविजन ज़रूरी होता है और मैं इसीलिए हर क्लास से पहले रिवाइज कराती हूँ प्रीवियस क्लास का, ठीक है। तो हमने बात की थी RER की, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। देखो ये प्रेजेंट है, इसको प्लस एंटीमर सोच लेना, ठीक है। लास्ट क्लास में भी बताई थी ये क्या है बेटा? प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अच्छा, क्या बनेगा यहाँ पर अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ? तो अगर मैं बात करूँ RER की तो यहाँ पर बनते हैं क्या बेटा, बताओ मुझे? RER में क्या बनता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट है तो प्रोटीन फॉर्म होंगे। लेकिन अगर वहीं मैं SER की बात करूँ तो यहाँ पर बेटा फॉर्म होते हैं लिपिड एंड स्टीरॉइड। तो मेनली आपको कह सकते हो लिपिड एंड स्टीरॉइड्स यानी फैट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद हमने क्या देखा था? फॉर्मेशन देख लिया था कि क्या क्या प्रेजेंट होता है, SER की बात कर ली थी। चलो यही हमने पूरा डिस्कस कर लिया। आगे के हमने क्या देखा था कि अब हमें नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करना है? अब हमें डिस्कस करना है क्या? गॉल्जी एपरेटस। तो आज का टुडेज गोल में हम गॉल्जी एपरेटस को पढ़ने वाले हैं, और अगर टाइम बचेगा तो कवर कर पाए तो हम बेटा लाइसोसोम को भी कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास पर चल, आई मीन नेक्स्ट क्लास नहीं, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, तुम लोग पहले ही बता देती हो, कल की तरह मत करना, पहले सुनना समझना, उसके बाद में लिखना है, ठीक है। चलो देखो,
हम बात करते हैं गॉल्जी एपरेटस की, तो ये क्या है बेटा? ये भी मैम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। क्या है ये मैम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल? डिस्कवर किसने किया था? एक साइंटिस्ट थे कैमिलो गॉल्जी, उन्होंने इसको डिस्कवर किया, इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया, गॉल्जी बॉडी, या फिर कह सकते हो गॉल्जी एपरेटस। क्या कह सकते हो? गॉल्जी एपरेटस। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? हमारा फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट डिस्क्राइब बाई कैमिलो गॉल्जी। साइंटिस्ट थे कौन बेटा? कैमिलो गॉल्जी, और उनके नाम पर ही इसका क्या नाम पड़ गया? गॉल्जी एपरेटस। क्या नाम पड़ गया? गॉल्जी एपरेटस। बताओ, इतना क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं गॉल्जी एपरेटस की बात करूं तो ये भी क्या है बेटा? मैम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, यानी मैम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इस ऑर्गेनल पर भी। हमने याद करो पढ़ा था लास्ट क्लास में, ऑर्गेनल दो टाइप के होते हैं, एक तो मैम्ब्रेन बाउंड, दूसरे क्या होते हैं बेटा? नॉन मैम्ब्रेन बाउंड। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो भी क्या था? मैम्ब्रेन बाउंड था। अब यहाँ पर गॉल्जी एपरेटस हम डिस्कस कर रहे हैं, तो गॉल्जी एपरेटस भी बेटा क्या है? मैम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। क्या है बेटा? मैम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो इट कंसिस्ट वेसिकल्स, सिस्टर्ने। जैसे देखो कंपेयर करो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में, अगर मैं आपसे बात करूँ, देखना कंपेरिजन करते हैं थोड़ा, अगर मैं आपसे बात करूँ कंपेरिजन के लिए, लेट्स टेक द रेड कलर। एक तरफ बोलती हूँ मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक तरफ मैं बोलती हूँ आपसे गॉल्जी बॉडी। क्या बोलती हूँ बेटा? गॉल्जी बॉडी। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है? ट्यूब्यूल्स, ठीक है, और क्या प्रेजेंट थे? वेसिकल्स, और क्या प्रेजेंट थे बताओ मुझे? सिस्टर्ने। वैसे ही बेटा अगर मैं बात करूँ गॉल्जी बॉडी की तो यहाँ पर आपके सिर्फ क्या प्रेजेंट होते हैं? वेसिकल्स एंड सिस्टर्ने। क्या प्रेजेंट होते हैं? वेसिकल्स एंड सिस्टर्ने, यानी यहाँ पर ट्यूब्यूल्स नहीं मिलते हैं। ये ट्यूब्यूल्स किस में नहीं मिलते? गॉल्जी बॉडी में बेटा नहीं मिलते हैं। तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट, सिस्टर्ने जो होते हैं वो अरेंज होते हैं पैरेलल टू ईच अदर। अगर मैं आपसे गॉल्जी बॉडी की बात करूँ तो ये जो सिस्टर्ने होंगे, ये जो सिस्टर्ने हैं देखो इस तरीके से, ये जो सिस्टर्ने हैं ये बेटा क्या होते हैं? पैरेलली अरेंज होते हैं। कैसे होते हैं? पैरेलली, एक दूसरे के पैरेलल में अरेंज होंगे और स्टैक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो सिस्टर्ने आर अरेंज पैरेलल टू ईच अदर। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या देखना है हमें, एक चीज़ और डिस्कस करनी है। अच्छा, आप कह रहे हो कि मैम को समझ तो आया ही नहीं, चलो इसको डायग्राम के थ्रू देखेंगे। सबसे पहली चीज़, एक बार आप एक पॉइंट नोटिस करो, और पॉइंट क्या है कि अगर ये जो गॉल्जी एपरेटस हैं प्लांट में प्रेजेंट है, इफ प्रेजेंट इन प्लांट इज नन एज, मैं यहाँ डाल देती हूँ नन एज डिक्टियोसोम, यानी प्लांट्स में, मैं लिखूँ प्लांट्स में गॉल्जी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से बेटा? डिक्टियोसोम, बोलो क्लियर है? डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं, बोलो क्लियर है? अब देखो स्ट्रक्चर इसकी एक बार डिस्कस करते हैं, वरना आपको को समझ ही नहीं आएगा एग्जैक्टली। देखो ये क्या है, लिखा हुआ है गॉल्जी एपरेटस। अगर मैं गॉल्जी एपरेटस की आपसे बात करूँ तो क्लियरली लिखा है फर्स्ट डिस्क्राइब बाई जर्मन साइंटिस्ट कौन थे बेटा? कैमिलो गॉल्जी, ठीक है। इट कंप्राइजेज मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर। देखो यहाँ पे ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स दिख रहे हैं, ठीक है, सिस्टर्ने दिख रहे हैं, याद करो। देखो ये क्या है? सिस्टर्ने ही तो हैं। क्या है ये बेटा? देखो सिस्टर्ने, और यहाँ पर बेटा ये क्या प्रेजेंट हैं? वेसिकल्स। क्या प्रेजेंट हैं? वेसिकल्स, देखो वेसिकल्स हो गए। चलो सही से लिखते हैं थोड़ा, ये देखो राउंड राउंड क्या है यहाँ पर? वेसिकल्स हैं, वेसिकल्स प्रेजेंट हैं। अब देखो सुनो ध्यान से, ये आपस में कैसे अरेंज हैं? पैरेलली। कैसे अरेंज हैं बेटा ये? पैरेलल अरेंज, अरेंज्ड पैरेलली। कैसे अरेंज हैं बेटा? आपस में पैरेलल में अरेंज्ड हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जस्ट आगे क्या है आपका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये पूरा, और उसके जस्ट आगे क्या है आपका? ये गॉल्जी बॉडी। क्या है बेटा ये पूरा? गॉल्जी बॉडी। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, हमने क्या देखा? हमने बोला मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, वेसिकल सिस्टर्ने प्रेजेंट होते हैं और पैरेलली अरेंज होते हैं। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। प्लांट में इसको क्या बोल देते हैं? डिक्टियोसोम। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज़ टू फेसेस। इसकी बेटा दो फेस होती हैं, एक होती है सिस और एक होती है ट्रांस फेस। एक क्या होती है? सिस। सिस को हम बोलते हैं फॉर्मिंग फेस, और ट्रांस को हम बेटा बोलते हैं मैच्योरिंग फेस। लिखा होगा सिस और ट्रांस फेस होती हैं। सिस को बेटा सिस फेस टुवर्ड द न्यूक्लियस, किधर होती है? न्यूक्लियस की तरफ। और जो ट्रांस फेस होती है बेटा वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, किधर होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। सिस फेस को हम फॉर्मिंग फेस बोलते हैं, और ये कॉन्वेक्स होती है पीछे से। जैसे देखो, देखा है कभी तो इधर की साइड वाला क्या होगा? कॉनकेव। और इधर से क्या बोलते हैं इसको? कॉन्वेक्स।
तो यानी इसका जो फेस है वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स न्यूक्लियस की तरफ। और अगर मैं ट्रांस फेस की बात करूँ तो ये किसकी तरफ होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। और इसको मैच्योरिंग फेस बोलते हैं, ये कैसी होती है, कॉनकेव। कैसी होती है, कॉनकेव। चलो डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं वापस से, ऐसे नहीं समझना है, डायग्राम को देख के समझना है। देखो अगर मैं आपसे बात करूँ तो देखो हमने बोला है कि ये क्या है आपका, बताओ मुझे, गॉल्जी एपरेटस। गॉल्जी एपरेटस में सिस्टर ने क्या है बेटा, पैरेलली अरेंज है। क्या है ये, सिस्टर ने है, ठीक है। और इसमें क्या है, ये सिस्टर ने, पैरेलली अरेंज है। ये देख लिया हमने, पैरेलली अरेंज या पैरेलल में क्या है बेटा, ये अरेंज्ड है। पैरेलल में क्या है, ये अरेंज्ड। अब सुनो ध्यान से मेरी बात को, ध्यान से देखना। मैंने क्या कहा, इसकी दो फेस होती हैं, सिस और ट्रांस। तो सबसे पहले हम नोटिस करते हैं सिस फेस को। सिस फेस किधर होती है, टुवर्ड द न्यूक्लियस। और ये क्या होती है बेटा, फॉर्मिंग फेस। सिस फेस किधर होती है बताओ मुझे, टुवर्ड द न्यूक्लियस। और इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस। तो सिस फेस क्या होगी, टुवर्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की तरफ कौन सी फेस होगी बेटा, सिस फेस। और ये कैसी होती है, कॉन्वेक्स होती है नेचर में। देखो देखो ये न्यूक्लियस दिख रहा है, इसके टुवर्ड द न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस की तरफ क्या होगी आपकी, सिस फेस होगी। कौन सी फेस, सिस फेस, जिसको हम और क्या बोलेंगे, फॉर्मिंग फेस, ठीक है, या तो फॉर्मिंग फेस बोल देंगे। और ये क्या है बेटा, कॉन्वेक्स। कैसी होती है ये, कॉन्वेक्स, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपसे बात करूँ किसकी, अगर मैं आपसे बात करूँ इसकी ट्रांस फेस की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। और देखो ध्यान से, बाहर की तरफ होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अंदर से कैसी होगी ये, कॉनकेव। कॉनकेव की तरह कैसी होगी, जैसे कॉन्वेक्स साइड होती है ना, कॉनकेव साइड होती है, उस तरीके से इसको मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। बोलो क्लियर है सभी को, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, आई होप पूरा यहाँ तक क्लियर होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो क्या लिखा है, फंक्शन ऑफ गॉल्जी एपरेटस। के फंक्शन क्या होता है गॉल्जी एपरेटस का, सुनना ध्यान से। अगर मैं फंक्शन की बात करूँ तो इसका फर्स्ट फंक्शन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है पैकेजिंग द प्रोडक्ट। यानी जो भी प्रोडक्ट है, जैसे प्रोटीन थी या शुगर है, कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट है, उसको स्टोर करता है और उसको फिर क्या करता है, पैकेजिंग करके उसकी मॉडिफिकेशन कर देता है। क्या कर देता है ये, पैकेजिंग करके उसकी मॉडिफिकेशन कर देता है। तो फंक्शन क्या है गॉल्जी ऑपरेटर्स का, कि कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे वो क्या हो, शुगर हो, कुछ भी हो, उसको क्या करेगा बेटा, उसकी पैकेजिंग करके उसको फर्दर मॉडिफाई कर देगा, स्टोर करता है उसको, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, सिंपल शुगर को कन्वर्ट कर देगा, सिंपल शुगर से क्या बनाएगा, फॉर्म करेगा कॉम्प्लेक्स शुगर। कैसी शुगर बेटा, कॉम्प्लेक्स शुगर। अब देखो नेक्स्ट आपका फंक्शन क्या है, इन्वॉल्वड इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। और ये किस में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे कोई पूछे लाइसोसोम के फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, तो वो होता है बेटा गॉल्जी एपरेटस। क्या होता है गॉल्जी एपरेटस, तो ये किस में हेल्प करता है, लाइसोसोम, जो हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनल होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये लाइसोसोम के बारे में, यानी लाइसोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। चलो स्लाइड के थ्रू देखते हैं। द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैकेज्ड, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, कब बोलो, मैंने कहा न्यूक्लियस की तरफ कौन सी फेज होती है, सिस फेज, फॉर्मिंग फेज। वहाँ क्या होगा, मटेरियल पैक होगा। क्या होगा बेटा, पैक होगा एंड डिस्पैच, और भेज दिया जाता है किधर, वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। सेल के बाहर, या तो एक्स्ट्रा सेलर फ्लड में, या फिर बाहर, यानी कई जगह भेज दिया जाता है, इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू गॉल्जी एपरेटस। बताओ समझ में आया, मैंने क्या कहा, देखो लिंक करो, न्यूक्लियस है, क्या अटैच है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है बेटा ये, ER है, ये न्यूक्लियस है, और इसकी तरफ क्या है, ये आपका क्या है बताओ मुझे, ये है बेटा क्या, गॉल्जी एपरेटस। क्या है, गॉल्जी एपरेटस। देखो डायग्राम थोड़ा रफ है तो समझने की कोशिश करना है, इसको थोड़ा सही करते हैं। ये क्या है आपका, गॉल्जी एपरेटस, ठीक है। क्या होगा, यहाँ से कोई मटेरियल निकलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और ये आपकी कौन सी फेज है बेटा, न्यूक्लियस की तरफ जो है, सिस फेज। क्या है बेटा, सिस फेज, या फिर आप कह सकते हो फॉर्मिंग फेज। क्या कह सकते हो, फॉर्मिंग फेज। सिंपल से ऐसे कह सकते हो, आपको इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो कि ये इस तरीके से है आपका ये, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी है, सिस फेज, फॉर्मिंग फेज, और क्या कह सकते हो, कॉन्वेक्स। क्या कह सकते हो, कॉन्वेक्स की तरह,
ठीक है, यहाँ क्या होगा, कोई भी मटेरियल आएगा, उस मटेरियल की क्या होगी बेटा, पैकेजिंग, क्या होगी यहाँ पर मटेरियल की पैकेजिंग, पैकेजिंग होगी किसी भी मटेरियल की, बोलो क्लियर है, पैकेजिंग होगी किसी भी मटेरियल की। अब क्या होगा, पैकेज होके वो मटेरियल बाहर की तरफ छोड़ दिया जाएगा, यानी ये आपकी क्या है, ट्रांसफेज, कौन सी है बेटा ये, ट्रांसफेज, या फिर कह सकते हो आप इसको क्या, मैच्योरिंग फेज, क्या कह सकते हो, मैच्योरिंग फेज या कॉनकेव फेज कह सकते हो। और यहाँ पर मटेरियल क्या कर दिया जाता है, रिलीज़ कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, मटेरियल रिलीज़ कर दिया जाता है आउटसाइड टारगेट की तरफ, बोलो क्लियर है। दूसरा फंक्शन देखते हैं, इंक्लूड स्टोरेज मॉडिफिकेशन पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल्स, यहाँ क्या होता है, वेसिकल्स के अंदर उस प्रोडक्ट का मॉडिफिकेशन होता है पैकेजिंग के बाद में, बोलो क्लियर है इतना। आई होप सबको क्लियर होगा, गॉल्जी ऑपरेटर्स पॉइंट्स थ्योरी आपको जो लिखनी है, चाहे तो आपको जो मैंने लिखा है उस स्लाइड को यूज़ कर सकते हो, या बेटर डायरेक्टली आप इन स्लाइड को यूज़ कर सकते हो जो लिखा है, डायग्राम यहाँ से आपको ड्रॉ करना है। आज के लिए हम सिर्फ इतना ही रखते हैं, कल हम बेटर डिस्कस करेंगे लाइसोजोम को, कल अगली क्लास में हम कोई भी दो ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करेंगे, लाइसोजोम और उससे आगे या तो डिस्कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे वैक्यूल को, ठीक है, या माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड, इनमें से देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, आई होप तुम लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे बेटा, आई नो कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम होती होगी क्योंकि समर वैकेशंस चल रही हैं, बट स्टिल आपको पढ़ाई करनी है डेली, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपने प्रोकेस्टिनेट करते रहो, प्रोकेस्टिनेशन नहीं करनी है, अगर आपको कुछ चाहिए तो डेली पढ़ना होगा, ठीक है, 3 घंटे 4 घंटे की स्टडी रेगुलर रखिए अभी भी, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड कीप स्टडिंग।